हेलो फ्रेंड्स, आई एम जीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक ग्लोब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैराबोलिक डिश सोलर कलेक्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पहला वाला फोटो है ये पैराबोलिक डिश सोलर कलेक्टर का एक्चुअल फोटो है, और ये जो सेकंड है ये स्केमेटिक डायग्राम। तो चलिए जानते हैं क्या होता है पैराबोलिक डिश सोलर कलेक्टर। पैराबोलिक डिश सोलर एंटेना, ये एक कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप का कलेक्टर होता है जिसमें पैराबोलिक डिश का यूज़ किया जाता है सोलर रेडिएशंस को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जिससे रिसीवर पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेशन हो पाए। इसमें रिफ्लेक्टिव डिश पैराबोलिक शेप की होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोलिक डिश सोलर कलेक्टर, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है पैराबोलिक डिश रिफ्लेक्टर जिस पे सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो, और इसका काम रहेगा सारे रेडिएशंस को कॉन्सेंट्रेट करके रिसीवर पे फोकस करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट हो सके। ये डिश के पीछे लगा हुआ स्ट्रक्चर को कहते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर, जिसका काम रहता है डिश को सपोर्ट करना। और ये जो दो जॉइंट्स लगे हैं उनको कहते हैं पाइलॉन्स, जो मूवेबल होते हैं ताकि हमारी पैराबोलिक डिश ईजिली मूव हो सके और सन को ट्रैक कर सके, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट कर सके। और यह है पाइप वर्क, जिसमें फ्लूइड रहता है जिसको हमको गर्म करना है। वर्किंग ऑफ पैराबोलिक डिश कलेक्टर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सन है, यहाँ से सोलर रेडिएशंस आएंगे और हमारे डिश पे इंसिडेंट होंगे। डिश का शेप पैराबोलिक है, जिससे वो सारे सोलर रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे रिसीवर पे। यह हम रिसीवर देख सकते हैं, और यहाँ पे एरो से जो रेज जा रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड रेज है, वो सब एक पॉइंट पे रिसीवर पे फोकस होंगे, जिससे हीट इंटेंसिटी बढ़ेगी और उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हीट रहेगी। रिसीवर में इंजन रहता है जो हीट पे काम करता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ऐसे सोलर रेडिएशंस मतलब सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पहले हीट एनर्जी में, और उसके बाद हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इस सिस्टम में। तो यह है पैराबोलिक डिश सोलर कलेक्टर, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड रेडिएशंस सीधा रिसीवर पे फोकस होते हैं, जिससे रिसीवर पे इंटेंस हीट जनरेट होती है, जो हीट बाद में हीट इंजन को प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो पैराबोलिक डिश सोलर कलेक्टर के एडवांटेजेस है, जैसे पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर में हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है, जो 23-29% तक हो सकती है। अल्सो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी हाई होता है, जो 750 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।